लगता है तुम्हें पानी में अत्यधिक समय लगने वाला है, किंतु ठीक है, अब जब यहां तक आ ही गया हूं तो इस जन्म का तुम्हारा नाम भी जान कर ही जाऊंगा लक्ष्मी। आसन ग्रहण कीजिए, मैं भोजन परोसती हूँ। ये सब एक दूसरे से बात क्यों नहीं कर रहे हैं? अरे बात करो एक दूसरे से, तभी तो किसी के मुख से संभावना है सुनने की किसी का नाम। पुत्री तुम भी भोजन ग्रहण कर लो, देखो तुम्हारे बाबा भी ग्रहण करने जा रहे हैं। नाम ले लो ना, नाम ले लेते। तुमने भोजन ग्रहण नहीं किया? प्रातः से अन्न का एक दाना नहीं खाया। मैंने कितनी बार कहा कुछ तो खा ले, परंतु यह है कि मानती ही नहीं। अब आप ही समझाइए अपनी पुत्री को। पुत्री भार्गवी, पुत्री भार्गवी। भार्गवी भोजन ग्रहण क्यों नहीं किया? पिताश्री मुझे क्षमा नहीं कर देते ना, मैं भोजन ग्रहण नहीं करूंगी। जो भूल हुई है उन्हें नहीं दोहराऊंगी, कोई मांग नहीं रखूंगी, कहीं बाहर नहीं जाऊंगी, भूल जाऊंगी कि घर के बाहर भी कोई संसार है। और आपको दुखी नहीं करूंगी, क्षमा कर दीजिए। आपके संस्कार आपकी शिक्षा पर संदेह करने का कभी अवसर नहीं दूंगी। आप चाहते हैं ना कि मैं कहीं नहीं जाऊं, तो मैं कहीं नहीं जाऊंगी पिताश्री, मैं वचन देती हूं। वाह क्या बात है, बात बात पर वचन देने का रोग इस जन्म में भी नहीं गया लक्ष्मी का। नारायण मैं आपके वर का मान रखने के लिए ऋषि भृगु के घर में एक पुत्री के रूप में जन्म लेने के लिए सज्ज। पहले किसी वचन के कारण हम एक दूसरे से दूर रहे, अब ये वचन। वाह अच्छा है, करते जाओ, मेरा कार्य और अधिक जटिल बनाते जाओ। सही है पुत्री, क्षमा कर दीजिए बाबा। क्षमा तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए पुत्री, मैंने तुम्हारा हृदय दुखाया, तुम तो मेरी भार्गवी हो, तुम्हारे नाम में मैं हूं, मेरा अस्तित्व तो तुमसे है पुत्री। नशों को मत भाव, ये आंसू बहुत अनमोल है। तुम्हें पता है मैंने भी आज व्रत रखा है, तुम पर क्रोधित हुआ था ना मैं, इसीलिए मैंने बयान का एक भी दाना नहीं खाया। क्या अभी पिता और पुत्री दोनों एक साथ व्रत खोलें?
बाबा मैंने आपके लिए माखन बनाया है, खाएंगे? अवश्य। तभी मैं सोचूं आज मुझे माखन खाने का इतना मन क्यों कर रहा था। अब समझ में आया। नहीं अच्छा, इस बार अपने पिताश्री को खिलाओ, मन भर के खिलाओ। एक ऐसा दिवस आएगा जो तुम्हारे ही हाथों का बना माखन तुम्हारे ही हाथों से खाऊंगा मैं बाहर कभी। ये परिस्थिति बड़ी ही टेढ़ी है भार्गवी। मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ और ये तुम्हें खोना नहीं चाहते। तुम उनसे अत्यधिक प्रेम करते हो, वो भी तुमसे अत्यधिक प्रेम करते हैं। अब तुमने तो उन्हें वचन भी दे दिया है कि तुम उन्हें छोड़ के कहीं नहीं जाओगी, और मैं रिक्त हाथों से तो लौट नहीं सकता। लेकर तो तुम्हें मैं जाऊँगा ही भार्गवी, तुम्हें मेरे साथ आना ही होगा, और तुम आओगे अपने पिता के आशीर्वाद के साथ। उनकी प्रसन्नता हो तुम, और वो कभी भी तुमसे तुम्हारी प्रसन्नता नहीं छीनेंगे। वो स्वयं तुम्हें मुझे सौंपेंगे, किंतु उसके लिए आवश्यक है कि इन्हें कभी ज्ञात ही ना हो कि मैं कौन पिताश्री। प्रणाम तो मुझे महादेव जी को कहना चाहिए जो उन्होंने मुझे तुम जैसी पुत्री दी। सुंदरता की प्रतीक, भोर के सूर्य से भी अधिक तेज है तुम्हारे मुख पर। ठीक ही कहता है संसार, पुत्रियां देखते ही देखते कब बड़ी हो जाती हैं भान ही नहीं होता। देखो ना पद्मा, अभी कल ही की तो बात लगती है कि एक छोटी सी पद्मा अपने पिता की उंगली थामकर इधर से उधर से इधर चला करती थी, भागा करती थी। आज वही नन्ही सी पद्मा उस आयु में पहुंच चुकी है कि अपने पिता की उंगली को छोड़कर किसी और का हाथ थामकर अपने बाबुल को सदा के लिए विदा कह देगी। मेरी राजकुमारी किसी की गृह लक्ष्मी बन जाएगी। पिताश्री आप मेरे विवाह के विषय में बात कर रहे हैं? क्यों ना करूं पद्मा, हर कार्य समय पर किया हुआ ही शुभ होता है, और फलित भी। तुम विवाह के योग्य हो चुकी हो, इसलिए मैंने तुम्हारी जन्म कुंडली महर्षि भृगु को दे दी है ताकि वो ग्रह नक्षत्र देख सके। अब ऋषि भृगु ही तुम्हारी कुंडली देखकर तुम्हारे विवाह का कोई उचित समय बताएंगे। असंभव, ये नहीं हो सकता। दीप, मेरे कक्ष से मेरी पुत्री की कुंडली लेकर आओ, इसी क्षण, शीघ्र। पद्मा, तुम्हें विवाह करके किसी और के घर में जाना ही है, पर हां, वर चयन के लिए मैं तुम पर किसी प्रकार का भी कोई भी दबाव नहीं डालूंगा। तुम्हारी इच्छा का पूरा सम्मान करूंगा, जो मेरी पुत्री के हित में होगा, जो भी मेरी पुत्री से विवाह करेगा वो इस जगत में सबसे भाग्यशाली होगा। पिताश्री, आपने कहा कि जो भी होगा मेरी इच्छा से ही होगा, तो पिताश्री मेरी इच्छा है कि मेरे लिए स्वयं वर रचाया जाए ताकि मैं अपना वर स्वयं चुन सकूं। यदि मेरी पुत्री चाहती है कि स्वयंवर हो तो स्वयंवर होगा। खुश ना हो? अब मुझे मेरा मन चाहा वर मिलेगा, क्योंकि स्वयंवर में चुने जाने की कसौटी नृत्य कला होगी, और
और सर्वश्रेष्ठ नर्तक को तो मैं जानती ही हूँ, किंतु उससे पूर्व मुझे मुझे ये जानना होगा कि श्रीनिवास के मन में क्या है। श्रीनिवास के मन में तो मात्र श्री का ही वास हो सकता है। कैसे ये पता करूं कि उसके मन में मेरे लिए क्या भावनाएं हैं? जो मन में है उसे पाने के लिए तन मन और धन तीनों से प्रयास करना पड़ता है। इसका सहारा लेकर मैं जान सकती हूँ कि श्रीनिवास के मन में कौन सा भाव है। अब ये संसार देखेगा कि अपनी भार्गवी को पाने के लिए श्रीनिवास क्या क्या कर सकता है। बाबा ने मुझे क्षमा अवश्य कर दिया है, पर वो बहुत दुखी थे। जानती हो क्यों? कल केवल उनका उपवास ही नहीं था, उन्होंने इसलिए भोजन ग्रहण नहीं किया क्योंकि उन्होंने मुझे डांटा और डांटने के पश्चात उनको अत्यंत आहत हुआ। इसलिए मैंने पिताश्री को वचन दिया है कि मैं सब कुछ भूल जाऊंगी, और वैसे भी मैं सब कुछ भूल ही चुकी हूँ। जल लाने में बहुत ही विलम्ब हो गया है, भोजन का भी प्रबंध करना है अभी। पुष्पमाला किसने रखे हैं यहाँ? भला ऐसा होता है क्या, इस प्रकार किसी को भूला जाता है क्या? क्यों नहीं, जब मैंने प्रतिज्ञा ले ली है ना, तो मैं उसे पूर्ण अवश्य करूंगी। मैं बाबा को दिया वचन कभी नहीं तोड़ूंगी। पुत्री भार्गवी, घर के बाहर तुम्हारे लिए किसी ने कुछ छोड़ा है, जाकर देखो क्या है। मेरे लिए क्या छोड़ा होगा किसी ने, और क्यों? कौन छोड़ गया मेरी प्रिय पुष्पों की माला यहाँ?